नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। दरभंगा के गोपालपुर और माधोपुर गांव के खेतों में पानी फैल गया है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने प्रभावित स्थलों का जायजा लिया है और उन्होंने जिम्मेदारी बांध का निर्माण करने का निर्देश दिया है। दरभंगा के केवटी अंचल में बागमती नदी के तटबंध में 3 स्थानों पर पानी का रिसाव हो रहा है। 2 जगह पर पानी ओवरफ्लो कर गया है, जिसके कारण आसपास के गांव गोपालपुर और माधोपट्टी के कुछ इलाकों के खेतों में पानी फैल गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने आज उन स्थलों का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से संवाद किया। जिस जगह से पानी का रिसाव हो रहा है उसका भी मुआयना किया। कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा 2 जगहों पर तटबंध टूटने की खबर प्रसारित की जा रही है, जो पूर्ण रूप से गलत है। जहां पानी ओवरफ्लो हो रहा है वहां जमींदारी बांध बना हुआ है, जिससे लोगों का आवागमन होता है। जिलाधिकारी ने स्थायी निदान हेतु वहां तटबंध का निर्माण कराने का निर्देश दिया है। वर्तमान में वहां 5 जगहों पर बाढ़ निरोधक कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बाढ़ निरोधक कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिए और जिला कृषि पदाधिकारी को उन क्षेत्रों की फसल पर नजर रखने और पानी घटने के बाद आवश्यकतानुसार फसल क्षति का आंकलन करने को कहा है। जिलाधिकारी ने प्रभावित गांव में सामुदायिक किचन चलाने के निर्देश अंचलाधिकारी केवटी को दिए है। जिला प्रशासन द्वारा उन स्थलों की निगरानी लगातार की जा रही है। स्थिति नियंत्रण है, फिलहाल उन क्षेत्रों के सभी गांव सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। तो तुरंत जो है तो पानी आया है, ओवर फ्लो किया, तोड़ दिया। ये बार बार होता है, लगातार 2-3 साल से ये होता है। ठीक है, देखिए इस बार जो है सुंदर, उसमें पिछले बार जहाँ टूटा था वहाँ तो बढ़िया से मरम्मती हुई, वहाँ तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। सड़क पर थोड़ा पानी आया। इस बार हमने सचिव महोदय से बात किया और सभी लोगों से ऊपर बात किया है, बढ़िया से बांध का जो है एस्टिमेट बना करके अगले साल के पहले इसको ऊंचा करना पड़ेगा। जो हमने पुल से देखा, उनको लगता है कि बांध बहुत नीचे है।